ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हाल ही में नूबिया ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है नूबिया रेड मैजिक 3S, जो कि मेरे पास आ चुका है। ये फोन गेमर्स के लिए एकदम डिलाइट साबित होने वाला है। जी हाँ, इस फोन में दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट और कूलिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कूलिंग फैन इंटरनल इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो चलिए, आज वीडियो में मैं आपको इस फोन का गेमिंग रिव्यू दिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ गेम्स खेलूंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में गेमर्स के लिए बेनिफिट रहेगा इस फोन खरीदना या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं इस गेमिंग टेस्ट को और देखते हैं कितना फायदेमंद है नूबिया रेड मैजिक 3S को खरीदना। तो ये है मेरे पास फोन नूबिया रेड मैजिक 3S, जो कि खास तौर पर गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि फोन का डिजाइन एग्जैक्टली उसी तरीके का है जो गेमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा सा रफ एंड टफ लुक देने की कोशिश की है। यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर्स का इस्तेमाल किया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर है बैक पैनल पर। यहाँ पे इसका कूलिंग वेंट है। अगर फोन गर्म होता है तो अंदर जो फैन दिया है वो ऑन होके यहाँ से एयर पास करता है और आपका फ़ोन ठंडा रहता है अंदर। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर इसको कूल करने के लिए, पर एनीवे उन चीज़ों पे अभी बात नहीं करेंगे, हम गेमिंग टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें डॉक के थ्रू चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पर जो इसका गेमिंग डॉक आता है उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको दो ऊपर शोल्डर बटन मिल जाते हैं, पर फिलहाल मैं शोल्डर बटन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं हूँ उससे। मैं डायरेक्ट स्क्रीन के थ्रू ही गेम खेलना पसंद करता हूँ। पहले मैं इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूँगा 15 मिनट के लिए, और उसके बाद 15 मिनट के लिए मैं PUBG खेलूँगा और देखेंगे कि फ़ोन कितना बैटरी कंज्यूम करता है। अभी 95% बैटरी है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, 29.8 मतलब लगभग 30 के आसपास इसका अभी देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर है बॉडी का। और स्क्रीन का टेम्परेचर देख लेते हैं, स्क्रीन का टेम्परेचर भी लगभग सेम है, 30 के आसपास जा रहा है। हालांकि मैं थोड़ा से एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में हूँ तो टेम्परेचर का जजमेंट थोड़ा सा देना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, बट फिर भी बताऊँगा कि गेमिंग के बाद कितनी हीट होती है, कितने परसेंट इंक्रीज़ होती है बैटरी, वो हम देखेंगे। तो चलिए कॉल ऑफ ड्यूटी गेम शुरू करते हैं। 95% बैटरी है, बैटरी बताऊँगा कितनी ड्रेन हुई। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ टाइमर को। इन टोटल हम आधा घंटे के आसपास गेम्स खेलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो गेम मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से मल्टीप्लेयर पर जाके, आपको दिखा दूँ कि फ़िलहाल मेरा लेवल कम है इसलिए मैं सिर्फ अभी ये फ्रंट लाइन ऑप्शन नहीं खेल सकता हूँ, आगे के ऑप्शन नहीं खेल सकता। और इसलिए पबजी में भी मैं आपको TDM मैच ही खेल के दिखाऊंगा। तो कुछ कनेक्शन इश्यूज के बाद गेम स्टार्ट हो चुकी है। और मैं सेटिंग में जाके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ आपको। वेरी हाई ग्राफिक हो रखे हैं, फ्रेम रेट भी हाई हो रखा है, इसको मैक्सिमम कर देते हैं और देखते हैं कि गेम कहीं हैंग तो नहीं होती। और मेरा जो लोडआउट 1 है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत प्रो नहीं हूँ, प्लीज़ अगर बुरी गेम खेलो तो माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गालियाँ मत देना यार भाई मेरे को। अभी नई खेलना शुरू की है मैंने ये कॉल ऑफ ड्यूटी। आप देख सकते हैं कहीं पर भी लैग नहीं कर रही। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे कितना स्मूद है इसका रिस्पांस, कहीं पर भी लैग नहीं कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में खेलेंगे तो आपको अक्सर यहाँ पे लैग करता दिखेगा, क्योंकि प्रोसेसर की कमज़ोरी होती है, ग्राफिक कार्ड कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स हो या प्रोसेसर हो, सब कुछ बैलेंस करके रखता है इस फ़ोन को। और आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी लैग नहीं मिल रहा, बहुत ही स्मूथ है। आप यहाँ पर नीचे ग्रास देख सकते हैं, डिटेलिंग दिखाई दे रही है, प्रॉपर शेडोज़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर स्काई में देख सकते हैं, यहाँ पे सन के अगेंस्ट टाइप मैंने करके दिखाया है, तो यहाँ पर क्लाउड भी ठीक से दिखाई दे रहे हैं। आपको नीचे बैठ जाता हूँ, कोई मार देगा मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स वाइज बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस फ़ोन को यूज़ करने में, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया इसका खरीद के, आपको अच्छा ही लगेगा ये फ़ोन खरीदने के बाद गेमिंग के लिए खास तौर पर। और अभी तक हीटिंग मुझे महसूस नहीं हो रही इस फ़ोन को यूज़ करने में। किल स्कोर अच्छा जा रहा है मेरा यार, मेरे को पता नहीं था मैं इतनी अच्छी खेल लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा हीटिंग का इफेक्ट आ रहा है इस तरफ, मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा सा, पर गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब इस फ़ोन में गेमिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत शानदार है। यहाँ पे आगे गलती करी मैंने, मुझे यहाँ से नहीं मारना चाहिए था इनको। बहुत ही कम मार्जिन से हम आगे हैं, दो ही। अब थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं हमारे सब प्लेयर्स और लीड कर ली है हमने। ओह शिट,
विक्ट्री। और गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इस फ़ोन में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें गेम खेल के। एक विक्ट्री तो हो गई है और देखते हैं कि कौन ज़्यादा किल्स कर पाया है। लास्ट किल मेरी तरफ से आई है। काफ़ी इम्प्रेसिव है इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी पसंद आएगा आपको भी अगर आप भी रेड मैजिक 3S खरीदते हैं। आई एम श्योर के गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं किया, बिल्कुल भी लैग नहीं किया बीच में। और इनफैक्ट अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी स्टूडियो के अंदर बैठ के शूट कर रहा हूं, थोड़ा नेटवर्क के कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे लैग करता कहीं पर नहीं लगा ये फ़ोन। लेवल 6 हो गया है मेरा, एक मैच और खेलेंगे उसके बाद फिर हम पबजी पे स्विच करेंगे। 27 किल किए थे मैंने लास्ट मैच में, इतना अच्छा खेलूंगा एक्सपेक्टेड नहीं था। आप देख सकते हैं भैया आपका क्या स्कोर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्ले अगेन कर लेते हैं एक बार। आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही हल्का सा हीटिंग इशू है, बहुत ज़रा सा, मतलब एकदम ना के बराबर, अदरवाइज फ़ोन को हम हीट अप नहीं कहेंगे, बहुत ही ज़रा सा है, मतलब महसूस भी नहीं होगा इतना आपको अगर आप लगातार गेम खेलेंगे। 10-11 मिनट गेमिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, सॉरी 2 मिनट माइनस कर लेते हैं क्योंकि शुरू में दिक्कत आई थी लोड होने में गेम को। तो नेक्स्ट मैच शुरू हो चुका है, चलते हैं दुश्मन के इलाके में और देखते हैं भाई। ये वाला मैप पहली बार खेल रहा हूं मैं, थोड़े कंट्रोल ठीक कर लेता हूं मैं अपने ज़रा। प्लेयर मरने ही वाला था मेरा पर मैं बच गया। स्नाइपर हेडशॉट मारा और मेरा प्लेयर गया। वी हैव टेकन अ लीड, एक से हम लीड कर रहे हैं भाई, एक से लीड है बस। ये थोड़ा टफ लग रहा है मैच मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइड आउट नहीं पता एनिमीज़ का। यार मेरी टीम के लोग पता नहीं कैसा खेल रहे हैं, बहुत ही कम किल्स आ रहे हैं हमारे। शिट, गलत बटन दबा दिया था मैंने, सॉरी। पर बिलीव मी बहुत ही स्मूथ चल रही गेम, आप देख सकते हैं कहीं पर भी लैग नहीं दिखाई दे रहा है। अब काफ़ी अच्छी टक्कर हो रही है, ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग है, या कह सकता हूँ कि मेरी टीम के बंदे भी काफ़ी कमज़ोर हैं इस बार। बहुत ही ख़राब गेम खेल रहा हूँ मैं अभी ये वाली। मैंने लगभग 21 मिनट खेल लिए इसमें, 15 मिनट की बात की थी मैं। हार रहे हैं हम ये वाला मैच, और यस हम हार चुके हैं। पहला मैच आपने देखा कि मैं जीत गया था, पर ये वाला मैच हार चुका हूँ ऑलमोस्ट। 22 मिनट हो चुके हैं, टाइम को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे और गेम को मिनिमाइज़ करता हूँ, बंद नहीं करूँ, बैकग्राउंड में चलने देंगे गेम को। और 22 मिनट में से 2 अगर मिनट माइनस कर दें जो कि हमने इसमें गेम को लोडिंग में लगाया था, 19 मिनट गेमिंग बाद देखते हैं कि हिटिंग कितनी हुई है फ़ोन में। तो 33 के आसपास टेम्परेचर हो चुका है, और अगर स्क्रीन टेम्परेचर की बात करें तो स्क्रीन टेम्परेचर भी 33 हो चुका है। 30 पे हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, और बैटरी 90 हो चुकी है 95 से, मतलब 21 मिनट लगातार फ़ोन को मैंने यूज़ किया है और 5% 6% बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अब पबजी टेस्ट करते हैं, बैकग्राउंड पे कॉल ऑफ ड्यूटी को चलने देंगे। देख सकते हैं बैकग्राउंड पे कॉल ऑफ ड्यूटी है और पबजी को ऑन कर लेते हैं। सॉरी मेरा पर्सनल आईडी नहीं है, ये 91 का टेस्ट आईडी है, किसी ने इसमें अवतार को चेंज कर दिया है। तो इसमें भी टीम डेथ मैच खेल लेते हैं। अब जितनी देर इस फ़ोन में गेम नहीं चल रही तो उतनी देर ये फ़ोन का जो अंदर कूलर है वो क्या करेगा, फ़ोन को ठंडा कर देगा। और देखिएगा जब आप आधे पौने घंटे गेमिंग भी खेल लेंगे, ये फ़ोन ज़्यादा हीटअप आपको नहीं दिखेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड में। तो पबजी गेम भी काफ़ी स्मूथ चल रही है, पहले मैं आपको दिखा दूँ डिटेलिंग। नीचे ग्रास देख लीजिए, पूरे डिटेल में दिखाई दे रही है। अरे भाई बाद में मार लियो, पहले ग्राफिक्स के बारे में बताने दे। तो नीचे ग्रास देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में दिख रही है, शेडो दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा स्काई के साथ कहीं मर्ज नहीं हो रहा ये जो शेड है, आपको शेड के अंदर भी बारीकी से डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए लकड़ी के ऊपर डिटेलिंग है, इधर भी डिटेलिंग है अच्छे से, डिटेलिंग के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ है, कहीं पर भी लैग नहीं कर रहा, स्टटर नहीं कर रहा। पबजी भी गेमिंग अच्छी चलेगी इसमें। ग्राफिक्स देख लेते हैं क्या हो रखे हैं। तो ग्राफिक्स फ़िलहाल
HD है और यहाँ पे एक्सट्रीम कर लेते हैं, अब हाई ग्राफिक्स कर लेते हैं सब कुछ, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं कहीं पर भी लैग नहीं मिल रहा, काफ़ी स्मूथ है, थोड़ी सी हीटिंग महसूस हो रही है और वो भी इस तरफ कैमरा के साइड पे हीटिंग महसूस हो रही है। गेम लैग कहीं पर भी नहीं कर रही, एकदम एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर है सब कुछ। ओके, सो रेड टीम विक्ट्री हो गई है। मैंने कितने किल किए, मैंने 7 किल किए, तो मेरा परफॉर्मेंस रेशियो ख़राब था यहाँ पे। एक गेम और खेलते हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत दिनों के बाद PUBG खेल रहा हूँ तो शायद इसलिए PUBG पे कंट्रोल्स बैठ नहीं रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो ओके, एक मैच और हम हार चुके हैं और ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो चुके हैं गेमिंग करते हुए। मैंने 11 किल किए हैं, बाकी लोगों ने कम किए हैं, एक प्लेयर हमारा कम हो गया था इसलिए हम थोड़ा सा हार गए, एक्सक्यूज़ नहीं है। बट एनीवे, अब मैंने आपको दिखाया कि बैकग्राउंड में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी ओपन करके रखी थी और PUBG भी खेल रहा था मैं, और यहाँ पर 85% बैटरी हो चुकी है। तो देखा आपने कि ऑलमोस्ट 34 मिनट्स गेमिंग के बाद ये फ़ोन 85% पे आ चुका है। हीटिंग इशू मैं आपको दिखा चुका था कि लगभग 3 से 4% हीटिंग इशू इसका बड़ा है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो बैकग्राउंड पे मैंने यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG दोनों ओपन करके रखी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ओपन जब हैं तो बैटरी बैकअप जो है वो लगभग 10% ड्रेन हुआ है गेमिंग में। अगर आप लगातार आधे घंटे गेमिंग खेलते हैं तो 10% बैटरी ड्रेन होती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि नूबिया रेड मैजिक 3 आपको क्यों लेना चाहिए। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं और आप अच्छे से गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हैं जिसमें आपको हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा ना मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा कूलर आपको मिलता है, फ़ैन मिलता है इसमें, और अंदर भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से हीटिंग इशू प्रिवेंट होता है। अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें हीटिंग इशू भी कम हो और बैटरी बहुत ड्रेन ना हो, हालांकि 10% बैटरी एक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल से 34-35 मिनट्स गेमिंग के बाद। कुछ फ़ोन्स होंगे जिनमें 8 से 9% होगा, कुछ फ़ोन होंगे जिनमें 12 से 15% होगा, 10% बैटरी बैकअप ड्रेन होना एक्सेप्टेबल है। पर एनीवे, आप क्या कहते हैं प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।